नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े पॉक्सो एक्ट से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की घटनाएं समाज को शर्मसार करती हैं। इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या देखकर सरकार ने साल 2012 में एक विशेष कानून बनाया था, पॉक्सो कानून 2012 में, जिसको हिंदी में लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों की संरक्षण का अधिनियम 2012 कहा जाता है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान है और यह भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है या फिर नहीं। इस कानून की धारा 4 में वो मामले आते हैं जिसमें बच्चों के साथ कुकर्म या फिर दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई हों। इस अधिनियम में 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े पॉक्सो एक्ट की ज्यादा जानकारी देंगी हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता और AOR डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग। स्वाति जी, आपको पॉक्सो एक्ट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। पॉक्सो एक्ट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 0120-6127-937। इसके अलावा एक और नंबर है 0120-6127-938। इन नंबर्स पर कॉल करके आप बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी तमाम जो जानकारी है वो हमारे अधिवक्ता से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज हम लीगल हेल्पलाइन में बच्चों के जो भी पहलू हैं यौन शोषण को लेकर और उसमें कानूनी जो नियम कायदे कानून हैं उससे जुड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना और जानना चाहूंगी कि पॉक्सो एक्ट क्या है, किस उम्र के बच्चों के खिलाफ शोषण इस कानून के अंतर्गत आता है, यानी कि पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने साल से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है। पूजा जी, पॉक्सो एक्ट जो है ये काफी रीसेंट एक्ट है। देखिए, 10 साल ही हुए हैं इसे आए हुए। 2012 में एक्ट बनाया गया था। इससे पहले हमारे संविधान में कह लें आप, या अगर कोई स्टैट्यूट अगर हम देखें तो एक वैक्यूम था बच्चों के यौन शोषण से अगेंस्ट, उससे लड़ने के लिए, बच्चों की यौन उत्पीड़न से लड़ने के लिए हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं था भारत में। 2012 में जब ये पॉक्सो एक्ट लाया गया, इस एक्ट की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति है उसको बच्चे की परिभाषा में लाया गया है जी। इसका एक सबसे बड़ा रिजल्ट ये भी निकलता है कि जो एज ऑफ कंसेंट जिसे हम कहते हैं, कि अगर वो व्यक्ति खुद भी कह रहा है कि हाँ मैं आपको कंसेंट देता हूँ, ऐसे हाल में अगर उसकी उम्र 18 साल से नीचे है तो उसके साथ कोई भी यौन संबंध बनाना कानूनी अपराध। अब पॉक्सो कानून के तहत जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी व्याख्या क्या है? सेक्सुअल असॉल्ट को इस एक्ट में परिभाषित किया गया है, अगर किसी भी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को, बच्चे जिसे परिभाषित किया गया है जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसको आप उसके प्राइवेट पार्ट को छूते हैं, उसके चेस्ट एरिया को अगर छूते हैं, उसको एक सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा में ही रखा गया है और इसको कानूनी अपराध मानते हुए इसकी सजा जो परिभाषित की गई है इस एक्ट के अंडर 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में इसमें सजा का प्रावधान। स्वाति जी, अब पॉक्सो कानून के तहत अगर हम बच्चों के यौन शोषण पर सजा की बात करें तो उसमें कितनी सजा का प्रावधान है, किस तरह से सजा इस पूरे मामले को लेकर मिलती है? पूजा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉक्सो के अंदर आप कोई भी किसी भी बच्चे का, जैसे कि बार बार हम कह रहे हैं 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति का जी, अगर शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न, किसी भी तरह का हैरेसमेंट, या हो सकता है आपने उस बच्चे को कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल में यूज करा हुआ हो, इन सभी के लिए जो सजा दी गई है वो अलग अलग सजाओं का प्रावधान है इस एक्ट में। ये सजा 3 साल से लेके 20 साल तक, उसके बाद लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी का प्रावधान दिया गया है इस एक्ट में। काफी स्ट्रिक्ट है ये, इसमें
आईपीसी से भी ज्यादा, क्योंकि स्पेसिफिक एक्ट बनाए ये बच्चों के लिए, इसकी जो पनिशमेंट का प्रावधान है इस एक्ट में वो काफी काफी स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा अगर अगर हम आरोपी की बात करें स्वाति जी, तो अगर आरोपी भी नाबालिग पाया जाता है तो क्या उसे भी सजा मिलती है, और उसके खिलाफ किस तरह की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाती है अगर इस केस में आरोपी नाबालिग हो तो? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है पूजा जी। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं, जैसे आपको याद होगा एक बहुत ही विभत्स क्राइम किया गया था, निर्भया जो क्राइम था हम सभी जानते हैं, उसमें भी जो आरोपी था उसकी सजा 18 साल से कम उम्र की थी। बट अगर आरोपी की सजा 18 साल से कम उम्र की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून के दायरे से बच जाएगा। ऐसी स्थिति में उसको हम जुविनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर हम उसको इम्प्लीट करेंगे, और जुविनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार ही उसकी जो भी कानूनी कार्यवाही होगी वो करी जाएगी, उसके अंडर उसको फिर सजा दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों के यौन शोषण मामले में पॉक्सो के साथ साथ सीआरपीसी के तहत भी क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर होती है तो किन धाराओं में और किस तरह से चार्ज लगाए जा सकते हैं, ये भी बताइए जरा। बीच में काफी कंफ्यूजन रही, अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है इस पॉइंट को लेकर, वो एक स्प्लिट वर्डिक्ट है। कंफ्यूजन ये है कि एक तरफ तो पॉक्सो का जो सेक्शन 19 है वो ये एक नॉन ऑब्स्टांटिक क्लॉज जिसे हम कहते हैं, वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जी पॉक्सो से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट किसी के बारे में करता है, तो ये जानकारी देता है पुलिस को या स्पेशल पुलिस यूनिट को, तो पुलिस इस बात के लिए बाध्य है कि वो इमीडिएट उस पर एक्शन लेगी और उसकी कंप्लेंट को दर्ज करेगी। प्रॉब्लम ये आती है कि सीआरपीसी में सारे क्राइम्स को दो पार्ट में विभाजित किया गया है, एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जी पुलिस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत है। अब पॉक्सो एक जजमेंट हमारे पास ये आई जो ये कहती है कि क्योंकि पॉक्सो का सेक्शन 19 हमारे पास है जिसके अंतर्गत अगर आप पॉक्सो से रिलेटेड किसी भी बच्चे का यौन शोषण से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट लेके जाते हैं तो पुलिस को इमीडिएट एक्शन करना पड़ेगा, तो अगर हम वो जजमेंट मानते हैं तो सीआरपीसी का 155 हमारे लिए एक तरीके से नॉन ऑपरेशन क्लॉज हो जाता है। तो पुलिस इस केस में चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही क्यों ना हो, पुलिस को इस केस में एक्शन देना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 19 ये कहता है। बिल्कुल, बड़ी अहम जानकारी ये आपने पहुंचाई है। अब अगर हम आजकल के सिनेरियो की बात करें स्वाति जी, तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के मामलों में ऑनलाइन अश्लील जो सामग्री है वो कितनी ज्यादा फैल रही है। अब इससे जुड़े जो कानूनी प्रावधान है वो क्या है और इसमें क्या सजा हो सकती है? पूजा जी, ये जो प्रॉब्लम ऑनलाइन ऑफेंस की आ रही है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आज हम डेटा को देखते हैं तो 134 मिलियन बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जी और वो मोबाइल कहीं कोई ना कोई वाईफाई फैसिलिटी उनके पास है, तो बिल्कुल इंटरनेट का बहुत बड़ा संसार उनके सामने ओपन है, और इस ओपननेस के कारण वो कई तरह के साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, यहाँ तक कि उनकी पिक्चर्स को मिसयूज किया जाता है फेसबुक पे, कई तरह के उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी पिक्चर्स को मैनिपुलेट करके अक्यूज कई बार उनको डरा धमका के उनसे उनका यौन शोषण करते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी पिक्चर्स पब्लिक कर लेंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी पॉस्को में प्रावधान है, सेक्शन 23 कहता है कि भाई आप किसी भी तरह उस बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और अगर आप करते हैं तो उसके लिए सजा का कड़ा प्रावधान दिया गया है। ऐसा अब बच्चे की अगर हम शिकायत की बात करें तो क्या अगर कोई बच्चा शिकायत करता है तो उस शिकायत के आधार पर भी केस दर्ज किया जा सकता है? उसमें सच्चाई कैसे पता चलेगी और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? बच्चों की शिकायत को कोर्ट कितनी तवज्जो देता है? देखिए पूजा जी, क्योंकि ये एक्ट बना ही बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए है, कहीं ना कहीं उसमें बच्चा भी चाहे तो वो अपने आप जाकर अपनी कंप्लेंट दायर करा सकता है, और बिल्कुल जाहिर तौर पर उसकी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया जाएगा। इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि स्पेशल कोर्ट्स गठित किया गया है, ये कोर्ट सेशन कोर्ट के लेवल के होते हैं, और एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को परिभाषित किया गया है जिस प्रोसीजर के हिसाब से उस बच्चे का एविडेंस लिया जाएगा। जी उस बच्चे के साथ एक विजन बनाया गया है कि बच्चा है, हो सकता है घबरा जाए, तो वो अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी एनजीओ के मेंबर को या किसी एक व्यक्ति को जिस पे उसको ट्रस्ट है और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, उन सबकी प्रेजेंस में
अपनी कंप्लेंट दायर करा सकता है, या जब उसका एविडेंस लिया जाएगा तो प्रेजेंस अलाउड है ऐसे केस में। दूसरी बात ये है कि अगर वो बच्चा कल ट्रायल में आता है और वो एविडेंस देता है, ये स्पेशल कोर्ट्स के जो मैंने आपको बताया गठित किए गए हैं, ऐसे केस में उस बच्चे का जो एविडेंस है उसको ज्यादा खींचा नहीं जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर ये जो कार्यवाही है उसके एविडेंस लेने की वो कंप्लीट की जाएगी, और ऐसे केसेस जो कि पॉस्को रिलेटेड हैं इनको 1 साल की एक समय सीमा बनाई गई है इस एक्ट में, उस 1 साल के अंतर अंतर इन सारे केसेस को सॉल्व किया जाएगा। जी स्वाति जी, आजकल हम देखते हैं कि कई बार जो परिवार वाले होते हैं, परिचित होते हैं, वो बच्चे की यौन शोषण के मामले को दबाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे समाज में बदनामी होगी, बच्चे का आगे फ्यूचर क्या होगा। तो अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो पड़ोसी या कोई और इस पर मामला दर्ज कर सकता है, इस पर कानून क्या कहता है? बिल्कुल कर सकता है पूजा जी, बल्कि उसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज करी गई है। अगर आपको किसी भी तरह ये अंदाजा होता है या ये जानकारी प्राप्त होती है कि आपके आजू बाजू में कहीं भी कोई ऐसा बच्चा है जो यौन शोषण का शिकार हो रहा है, और ये जानते बूझते भी अगर आप उसकी कंप्लेंट नहीं दायर करते हैं, तो बल्कि ये एक्ट, आप उस एक्ट ने ये प्रावधान किया हुआ है कि आपके ऊपर भी आप सजा के भोगी बन सकते हैं। सजा का प्रावधान उन लोगों के लिए भी किया हुआ है जो ये जानते हुए कि बच्चा यौन शोषण का चित्रस्त है और उनको नहीं कर रहे हैं। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं पॉस्को एक्ट की, बच्चों से जुड़े यौन अपराध की और उसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या है। इसको लेकर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आप तमाम कानूनी पहलू समझ सकते हैं। स्वाति जी, कार्यक्रम में बात हम करना चाहेंगे पॉस्को एक्ट में जमानत के बारे में, जमानत कैसे मिलती है इसमें, इस जमानत के लिए क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है। जी, जमानत का प्रोविजन काफी स्ट्रिक्ट रखा गया है इस एक्ट में, क्योंकि एक स्पेशल एक्ट है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, बच्चों के बचाव के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, 2012 से पहले हमारे पास ऐसा कोई एक्ट नहीं था जो स्पेशली केवल इसलिए बनाया गया हो कि किसी भी बच्चे का यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट या जी रेप जैसी घटनाएं जो दुष्कर्म होते हैं वो होते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक खास तौर से हमारे पास कौन सा लॉ है। 2012 में ये लॉ आया, तो जब इसकी बेल की बात आती तो एक स्पेशल प्रोविजन है जिसके अंतर्गत ये बात भी किया गया है एक साइड को कि वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज का गठन हुआ था, कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को भी नोटिस देना जरूरी है इस बेल का, और जो बच्चा है उसके परिवार वालों को या शुभचिंतकों को उनको भी नोटिस, एक समय सीमा बनाई गई है जिसके अंतर्गत विद इन दैट टाइम लिमिट नोटिस जरूर जाए, ताकि जो भी कंप्लेनेंट, जो भी बच्चा है, जो भी अग्रीव्ड चाइल्ड है, वो तो भी अपनी बात रख सके, अपना पक्ष कोर्ट के सामने को रख सके जब भी वो बेल एप्लीकेशन डिसाइड की जाए। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये जो पॉक्सो एक्ट है ये एक काफी डिटेल्ड एक्ट है, इसमें काफी सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो बच्चे की प्रोटेक्शन को रखते हुए ही बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली फीमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए बना हो या मेल के प्रोटेक्शन के लिए बना हो, मतलब इस एक्ट में जो भी बच्चा विक्टिम है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ तक कि थर्ड जेंडर जो है वो भी इंक्लूड किया गया है। इसलिए ये एक्ट जो मैं कहूंगी बहुत, सबसे बड़ी बात जो उसकी एक्ट की है वो ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, जी स्पेशल कोड इस एक्ट के तहत बनाई गई है। उसके साथ साथ एक जुवेनाइल पुलिस यूनिट का गठन हुआ है, अगर आप किसी कारणवश पुलिस स्टेशन नहीं जा पाते हैं, लोकल पुलिस को कांटेक्ट नहीं करते, तो एक स्पेशल यूनिट का गठन हुआ है जो केवल इसीलिए हुआ है कि कोई भी चाइल्ड रिलेटेड सेक्सुअल अब्यूज का मामला हो आप वहां जी जा सकते हैं। अलावा इसके एनसीपीसीआर जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की वेबसाइट है, www.ncpcr.gov.in, इस पे खास तौर पर एक पॉस्को ई बॉक्स का गठन किया गया, क्योंकि जी जैसे मैंने आपको बताया 134 मिलियन बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो आजकल बच्चे टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस लगता है, उनके साथ कोई ऐसी घटना हो रही है वो संकोच कर रहे हैं या वो डर रहे हैं कि वो इस घटना के बारे में किसको बताएं। ऐसे केस में ये जो पॉस्को ई बॉक्स को बनाया गया है, एट द क्लिक बटन, आप एक बटन दबाएं वो विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप जो भी ग्रीवियंस है आप वहां पर इसको रिपोर्ट करवाएं, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो आपको दिया जाएगा,
और आपकी कंप्लेंट पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। अब केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण अपराध संबंधी जो कानून है उसको कठोर बनाते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण नियम पॉस्को 2020 को अधिसूचित किया, ये क्या है इसके बारे में भी जरा बताइए। इस एक्ट को और टाइट बनाने के लिए, ताकि ये और कारगर साबित हो, उससे रिलेटेड ये जो नियम है, रूल्स जिसे हम कहेंगे, पॉस्को जी। रूल्स 2020 का गठन हुआ है सेंटर के द्वारा। सेक्शन 45 ऑफ द पॉस्को एक्ट जी वो सेंटर को पावर देता है कि इस एक्ट के तहत वो कोई भी रूल्स बना सकते हैं। तो उस सेक्शन 45 के अंडर इन रूल्स का गठन किया गया। ये रूल्स हमको बेसिकली ये बताती हैं कि भाई जितने भी सेंटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन होम्स हैं या ऐसी जगहें जहां पे बच्चे हो सकता है रह रहे हो, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जहां पर भी बच्चों का केयर टेकिंग हो, तो कैसे इन प्रोटेक्शन होम्स को पुलिस के रिकॉर्ड में होना पड़ेगा, कैसे उनको रेगुलर ये चेक कराना पड़ेगा कि उनके अंदर जो कार्यभार जो संभाला जा रहा है वो एज पर रूल संभाला जा रहा है या नहीं। प्लस ये रूल्स हम ये भी बताती हैं कि अगर एक बच्चे ने अपनी कंप्लेंट दायर करी है, जी। या फॉर दैट मैटर किसी और ने उस बच्चे के शोषण की कंप्लेंट दायर करी है, और अगर हम बच्चे से कोई पूछताछ कर रहे हैं, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा उस पूछताछ जी का। जी ऐसी पूछताछ में ये खास तौर से उसमें मेंशन है कि वो बच्चा अपनी पसंद का कोई भी लीगल एड का वकील अपने लिए चुन सकता है, बिल्कुल। या जब उसका एविडेंस लिया जा रहा हो या जब उससे पूछताछ की जा रही हो, पहली बात तो वो उसके रेजिडेंस पे हो या ऐसी जगह जहां वो कंफर्टेबल हो। जी। दूसरी बात, तो इस तरीके से कंडक्ट करी जाए कि जो अक्यूज व्यक्ति है, मतलब जिस व्यक्ति ने उस बच्चे का यौन शोषण करा है, वो उस बच्चे को दिखाई नहीं दे, वो अक्यूज व्यक्ति उस बच्चे की बात सुन तो सकता है पर बच्चे को वो दिखाई ना दे, ताकि बच्चा किसी भी तरह के डर के प्रभाव में आके अपना बयान ना दे, चाहे वो वन साइडेड ग्लास में लगाएं, चाहे वो एक पर्दा लगाएं, या कैसे भी करें। इस तरह की जो प्रोविजन है, इस तरह की डिटेलिंग इन रूल्स में दी गई है, ताकि जो भी एक्ट जो भी कहता है प्रोसीजरली वो ठीक हो, उसका प्रोसीजर तरीके से बनाया गया है, ताकि किसी भी बच्चे को जो अंडर एज 18 साल से कम उम्र का है, उसको किसी भी तरह का प्रेशर या कोई डर ना हो उसके अंदर, ताकि वो अपनी बात कह ही ना सके। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, नई पॉस्को कानून की जब हम बात करें तो उसके अंतर्गत अब जागरूकता कार्यक्रम भी काफी जोर दे रहे हैं, उस पर भी इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। काम कर रहा है हमारी गवर्नमेंट, या तो चाहे वो सेंटर लेवल पे कह दें या स्टेट लेवल पे कह दें। अगर हम सेंट्रल लेवल को लेकर चलें, तो जैसे मैंने आपको बताया एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। स्टेट लेवल पे अगर चलते हैं तो एससीपीआर, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये दोनों ही बहुत काम कर रहे हैं। जी ऑनलाइन काफी प्रोविजन हैं, जैसे मैंने आपको बताया वेबसाइट हैं की जिस पे जागरूकता दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल और कई प्रोग्राम्स किए जाते हैं, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल में कई प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि इस तरह का कोई एक्ट है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये नहीं समझते कि अगर उनकी जानकारी में किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का यौन शोषण हो रहा है, और अगर वो फेरते हैं से और वो नहीं जानकारी देते, वो ये नहीं समझ पाते कि पॉस्को एक्ट के अंडर उसके ऊपर भी जेल का प्रावधान है, मतलब जी 6 महीने तक की जेल है उन लोगों के लिए जो ऐसे ऑफेंस रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों की अवेयरनेस है जो सरकार पूरी भरसक कोशिश कर रही है कि सब लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल। और इसी तरह के जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ही अवेयरनेस लाई जा सकती है। डॉक्टर स्वाति, आपने तमाम जानकारी आज पॉक्सो एक्ट और बच्चों के जो यौन शोषण है उसको कैसे हम कानून के अंतर्गत उसका अनुपालन कर सकते हैं ये जानकारी आपने दी। दर्शकों को बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, जुड़कर आपने तमाम जानकारी साझा की। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।